हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है, ये बहुत बढ़िया है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज मैं सूजी के मैदू वड़ा बनाऊंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। उसके लिए मैं सूजी ले ली हूँ, सूजी बारीक वाला लेना, और 1 कप सूजी है। सूजी के आधा आधा कप दही है, बारीक कटा करी पत्ता और बारीक कटा ये धनिया पत्ती, और 1 चम्मच घिसा हुआ कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च जो हम धोकर बारीक बारीक काट लिए, 1 चम्मच नमक है, अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल लेना, आधा छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा है, और आधा चम्मच गरम मसाला, और चुटकी से 2 चुटकी हम खाने वाला सोडा डालेंगे, जो बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे, 2 चुटकी ही डालेंगे। मैं इस कप से 1 कप सूजी ले ली हूँ, आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखें 1 कप सूजी ले लिए हैं। आप 1 कटोरी या गिलास कुछ भी ले लें मेजरमेंट करने के लिए। 1 कप सूजी ले लिए और दही भी मैं डाल के दिखा दे रही हूँ, आधा कप दही है, दही के हम थोड़ा फेंट लिए थे, और ये जो खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा, इसे चुटकी से ही डालना है, 2 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। ये देखो मैं चुटकी से ही डाल रही हूँ, बस इससे ज़्यादा ना डालें। करी पत्ता डाल देंगे जो बारीक काट लिए थे, धनिया पत्ती डाल देंगे, बारीक कटी हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा, अदरक और नमक, इसको मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ बढ़िया से, और बहुत अच्छी तरह से मिलाएं। इसे मैं अच्छी तरह से मिला ली, इसका बैटर नहीं बनाना है, खाली जो इसमें दही और सारे मसाले डाले हैं इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और फूलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ दही से ही हम इसे ऐसे ऐसे टेक्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए, लगभग कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारी सूजी फूल जाए, और सूजी फूलेगी तो अभी ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका टेक्चर बराबर करेंगे। मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ। सूजी के मसाला मिक्स किए हमें 15 से 20 मिनट हो गया रखे। अब इसको चेक कर ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सूजी काफ़ी फूल गई है अच्छी तरह से। इसमें मैं ये प्याज डाल दे रही हूँ, ये प्याज है बारीक कटी हुई, अगर आप प्याज पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। प्याज जब मसाले सारे डाल रहे थे उस वक्त भी आप डाल सकते थे, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि इसे 15-20 मिनट रखना था, इसलिए मैं अभी काट के डाल रही हूँ। इसका टेक्सचर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसमें मैं 1 चम्मच पानी डालूँगी, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मेदू वड़ा आपका बनेगा नहीं। मिक्स कर ले रहे हैं, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। इसे पतला घोल नहीं बनाना है बैटर की तरह, और ना ही आटे की तरह एकदम ठीक करना है, इस तरह से होना चाहिए। अब डीप फ्राई कर लेंगे, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें, मैं पानी लगा ली हूँ हाथ में, दोनों हाथ में लगा लें ऐसे, इसको थोड़ा सा दोनों हाथ पे रख कर ऐसे गोल करें, बीच में जगह बना लें, इस तरह से आप मैदू वड़ा डालते जाएं आराम आराम से। आप पानी लगा के इस तरह से करें, गोल बना लें, आप कटोरी पर भी बना सकते हैं रख के, ये चिपकता है थोड़ा, ऐसे बना के हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर रहे हैं, इसी तरह से मैं डाल ले रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा तेल ऊपर डालते जाएंगे, हल्का से एक बार डाल दें और नीचे से थोड़ा सिक जाए तो इसे पलट देंगे इस तरह से, अभी अच्छी तरह सिका नहीं है लेकिन पलट दे रहे हैं।
ऐसे इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें और थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आ जाए तब निकाल लेंगे। दोनों तरफ से ऐसे पलट पलट कर इसे पका लेंगे। इस पे अच्छा कलर आ गया लाइट ब्राउन और पक भी गया है। इसे हम निकाल ले रहे हैं। इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पका लेंगे सारा। इसमें ब्राउन कलर आ गया है, निकाल ले रहे हैं। इस तरह से आप मैदू वड़ा बनाएं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। मैदू वड़ा रेडी हो गया। आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कुरकुरा होगा। अगर 5-7 मिनट बाद आप सर्व कर रहे हैं या खाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा कुरकुरा और अंदर एकदम सॉफ्ट रहेगा, नरम। हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। ये बहुत बढ़िया है। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। जो चटनी आप पसंद करते हो, नारियल के या किसी भी चटनी के साथ आप सर्व करें, बहुत टेस्टी होता है खाने में। इस तरह से आप मेदू वड़ा बनाएं और खाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरी अपील है, अपील ही नहीं बल्कि मैं पूरी उम्मीद आपसे कर रही हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वो बेल आइकन जो है, बेल के निशान, उसे आप दबा लेंगे तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी।